ये हमारा टर्बिड वाटर का सैंपल है, इसको हमने फिल कर लिया है अप टू 8 लीटर, हमने मेजरिंग सिलेंडर से किया है जो कि एक्यूरेट रिजल्ट दे रही है यहाँ पे, है ना। और इसमें जो लिखा है ना 200, 400, 600, 800, इसमें आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा, अप्रॉक्स वॉल्यूम है ये, ठीक है ना। एक्यूरेट वॉल्यूम के लिए आपको कोई मेजरिंग सिलेंडर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों ने एक एक लीटर सैंपल जो है रख दिया। एज आई टोल्ड बिफोर, जैसा कि मैंने बाहर कहा था, एज आई सेड बिफोर कि सारे में क्या करेंगे, कोएगुलेंट डोज मिलाएंगे और एक को हम क्या करेंगे, स्टॉक में रखेंगे, इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, बाकियों में बहरी करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारे सैंपल्स हमने यहाँ रख दिया। पेडल्स को डाउन कीजिए, इंस्ट्रूमेंट चालू करने से पहले ये देख लीजिए आप कि ये जब घूमेंगे ना तो ये जो है पैडल्स जार से टकराए नहीं, ठीक है ना। सैंपल हमने इसमें डाल दिया, ठीक है, ये टर्बिड वाटर का सैंपल है, हम इसमें क्या करेंगे, कोएगुलेंट डोज देंगे। ये जो है इसको बोलते हैं पिपेट, ठीक है ना, ये जो है पिपेट है, पिपेट के हेल्प से हम इसमें कोएगुलेंट डोज मिलाएंगे, ये है कोएगुलेंट डोज, ठीक है ना। जीरो पॉइंट फाइव से 0.5 का इंटरवल रखेंगे, एक में 0.5, तो दूसरे में जाएगा 1 ml, ओके, 0.5, 1 ml, 1.5, 2.2, 2.5, ओके। क्योंकि हमारे पास 6 ही जार है तो हम 6 ही जार में चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर करना होगा, इसके आगे जाना होगा, 2.5 से और आगे जाना होगा तो एक बैच और करेंगे, 2.5 तक यहाँ किए, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3, 3.5, 4, 4.5, लाइक दैट, ओके। सर मार्केट में आने वाले कॉमन कोगुलेंट्स वगैरह सर जो यहाँ यूज, तो आपको बताया जो ये है एलम, ओके, इसको हम लोग घर में फिटकरी बोलते हैं, हाँ हाँ फिटकरी बोलते हैं ना, जो लोग दाढ़ी नहीं बनाते, जी 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 वही है एलम, ठीक है। कन्वेंशनली यही यूज हो रहा है बहुत टाइम से, जो गांव के कुएं वगैरह होते हैं, जो गांव में भी जो लोग अपने आप से वाटर ट्रीटमेंट करते हैं पानी में फिटकरी लाइम वगैरह डाल करके, यस सर, तो यही है, ठीक ठीक है। इसके अलावा फेरिक क्लोराइड वगैरह होता है, जी ठीक है,
और भी कुछ कुछ हैं, और इसमें रिसर्चर्स भी हो रहे हैं, और भी लोग नई नई चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, कुछ नेचुरल चीज़ें भी हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं। तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट का हमने सॉल्यूशन मिला है, ये जो सॉल्यूशन हमने बना के रखा है ये 1000 ppm का सॉल्यूशन है। 1000 ppm का सॉल्यूशन बोलने का मतलब 1 mg है ml वाटर में। ओके हाँ ठीक है, मतलब 1 ml वाटर हम इसमें डालें तो हमने इसमें कितना कंसंट्रेशन डाला, 1 mg डाला। ठीक है ठीक है, तो 1 mg इसमें मतलब 0.5 हमने मिलाया है इसका, तो इसमें हम 0.5 mg डाल रहे हैं लोग का, इसमें कितना डाले हैं 1 mg 1.5 mg 2 mg 2.5 mg। अब इंस्ट्रूमेंट चालू कीजिए जी। ये इंस्ट्रूमेंट ऑन हुआ जी, 2-3 सेकंड का टाइम लेता है अपने फंक्शन में आने में। ठीक है, ये लाइट का स्विच है, ये दबाएंगे जी, ये जलेगा, मोड पे जाइए, आरपीएम है, एक बार और दबाएंगे, टाइम एंड आरपीएम, इसमें हम टाइम भी सेट कर सकते हैं और आरपीएम भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, इंटर दबाइए, आवर्स, आवर्स को हमको जीरो करना है, मिनट्स शुरू में 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए जो है आप इतना 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट के लिए हम घुमाएंगे। आरपीएम ये लिखा है इस इंस्ट्रूमेंट में, आरपीएम का जो रेंज है ये 5 से 150 तक चलती है। ठीक है, स्पीड मिक्सिंग के लिए हम लोग 120 का आरपीएम जो है रखते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि ये आपको देखना है कि पैडल्स जब घूम रहे हैं तो इसमें टकराए नहीं, ये तो घूमेंगे नहीं। जो है यहाँ पे देखिए 4 मिनट के बाद, ठीक है, ये काउंटडाउन जो है ये बंद हो जाएगा और ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, फिर हम लोग सेट करेंगे इसको 20 से 40 आरपीएम में स्लो मिक्सिंग पे एग्लोमरेशन के लिए। तो एग्लोमरेशन जब होगा तब आपको फ्लक्स इसमें दिखेंगे।